हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा स्टूडेंट्स चैनल पर स्टीरियो केमिस्ट्री की हमारी ये वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें पिछले वीडियोस में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं इसकी डिटेल में बात की है आज के इस वीडियो में हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं और स्टीरियो आइसोमरिज्म और उसके टाइप्स की बात करने वाले हैं पिछले वीडियो में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं ऐसे आइसोमर्स जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन जिनमें एटम्स और ग्रुप्स का डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट हो थ्री स्पेस में जिनका ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट डिफरेंट हो उन्हें हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह के होते हैं एक है कॉन्फॉर्मेशनल और दूसरा है कॉन्फिग्रेशनल स्टीरियो आइसोमर्स सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फोर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स की कॉन्फोर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड यदि किसी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से जनरेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्फोर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर एग्जाम्पल के लिए ब्यूटेन मॉलिक्यूल लेते हैं यह ब्यूटेन है, मॉलिक्यूल का सोहोर स्ट्रक्चर है इसमें आप देखिए ये वाला जो कार्बन है इसको हमने फिक्स रखा हुआ है और इस कार्बन को हम लोग क्लोकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री एंगल से रोटेट करते हैं जैसे ही हमने इसको ये जो आ, C2 और C3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसके अराउंड रोटेट करते हैं इसे जैसे ही हमने इसे 60 डिग्री से रोटेट किया तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहां आ जाएगा इसका आप लोग जो अगला वेरिएशन है 60 डिग्री से रोटेट करने पर कैसा स्पेशल स्ट्रक्चर आएगा कैसा इसका ओरिएंटेशन हो जाएगा और इसके मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन क्या हो जाएगी वो आप यहां पर देख सकते हैं तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करने से ये जो नया स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है ब्यूटेन का उसमें मिथाइल ग्रुप्स का जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो पहली वाली स्ट्रक्चर से डिफरेंट है इसका मतलब ये हो गया इसका स्टीरियो आइसोमर क्योंकि स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया स्ट्रक्चर सेम है तो ये स्टीरियो आइसोमर हो गया यह नया अरेंजमेंट लेकिन यह जो नया अरेंजमेंट है तो स्टीरियो आइसोमर इस हो गए तो इस तरह के स्टीरियो आइसोमर जिन्हें जो क्रिएट हो रहे हैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की वजह से इन्हें हम लोग बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर तो ये दोनों ब्यूटेन की स्ट्रक्चर हुई एक दूसरे की कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर और ये रोटेशन से सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से क्रिएट हो रही हैं दोनों स्ट्रक्चर इसलिए इनको रोटामर भी बोलते हैं या फिर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के इसलिए इन्हें कॉन्फॉर्मर भी बोलते हैं तो ब्यूटेन के इन दोनों कॉन्फॉर्मर्स या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के बीच में एनर्जी बैरियर बहुत कम है क्योंकि सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल को और वो एनर्जी इसे रूम टेम्परेचर पे भी आसानी से मिल जाती है इसलिए रूम टेम्परेचर पे ये जो मॉलिक्यूल है ब्यूटेन का ब्यूटेन का ये अपने कॉनफॉर्मर्स में इंटरकन्वर्ट होता रहता है और इसलिए हम इसके जो अलग अलग कॉन्फॉर्मर्स हैं डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स हैं उन्हें सेपरेट भी नहीं कर सकते तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन से जनरेट हो रहे हैं इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है इसलिए रूम टेम्परेचर पे ये इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं और हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते इसको समझने के लिए आप यहां देखिए इस डायग्राम में यहां दो पेपर के हार्ड कवर्स हैं इनके बीच में हमने एक आयरन नेल लगाया हुआ है अब आप जानते हैं जब एक सिंगल आयरन नेल दो हार्ड कवर्स के बीच में लगाया हुआ है तो दोनों कवर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इजीली रोटेट करते हैं ये देखिए ये रोटेशन से पहले की स्ट्रक्चर है ये रोटेशन के बाद की स्ट्रक्चर है तो इस सेम इसी तरह से सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन आ, के, आ, हो, से होने से ये जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं वो क्रिएट होते हैं अगला हम लोग लेते हैं कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स यहां आप समझ गए होंगे कि ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर हैं जिनमें कॉन्फिग्रेशन डिफरेंट होता है जिनमें कॉन्फिग्रेशन किस तरह से डिफरेंट होता है यहां पर जो हमने अभी देखा है कि किस तरह से सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन होता है वो यहां पर रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है मतलब या तो मोलिक्यूल की स्ट्रक्चर इस तरह की है या फिर उसमें डबल बॉन्ड है जिसकी वजह से अब सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं हो सकता तो रोटेशन नहीं हो सकता तो यहां पर डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्रिएट नहीं हो सकते ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमने जो ली है ब्यूटीन की ये दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकती तो इसलिए ये दोनों स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स क्योंकि इनका कॉन्फिग्रेशन ही डिफरेंट है आप देख सकते हैं एक में दोनों सीएस थ्री डबल बॉन्ड के सेम साइड हैं और एक में दोनों सीएस थ्री डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड्स में हैं तो इस तरह से इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है सिंगल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड के राउंड जो रोटेशन होता है वो यहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से रेस्ट्रिक्टेड है और इसलिए ये दोनों स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते इंटरकन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कम से कम एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा बिना बॉन्ड को तोड़े इनको एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं कर सकते आप समझ गए होंगे जब हम ये बॉन्ड यहां से तोड़ेंगे और यह बॉन्ड यहां से तोड़ेंगे और सी एच थ्री और इस एच को इंटरकन्वर्ट करेंगे तभी वो ये जो आइसोमर है ये इस पहले वाले आइसोमर में कन्वर्ट इंटरकन्वर्ट होगा तो इस तरह से ये हुए कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स जिनमें सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है इसे समझने के लिए हम इस डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं जिसमें आप देखिए जो पेपर के दो हार्ड कवर्स हैं इनके बीच में हमने दो आयरन नेल लगाई हुई है दो आयरन नेल लगाने की वजह से अब यहां पर क्या हुआ जो रोटेशन पहले हो रहा था वो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया अब इस स्ट्रक्चर का इस स्ट्रक्चर में इंटरकन्वर्जन पॉसिबल नहीं है तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं अब ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकती हो ये और इंटरकन्वर्ट करने के लिए हमें एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो इसलिए इनके बीच का जो एनर्जी बैरियर है एनर्जी गैप है वो काफी ज्यादा है इसलिए रूम टेम्परेचर पर ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते और इसीलिए हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं तो यही डिफरेंस है कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स में कॉन्फोर्मेशनल आइसोमर्स में एनर्जी गैप कम होता है रूम टेम्परेचर पर इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं और हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते और कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स में इंटरकन्वर्ट करने के लिए कम से कम एक बॉन्ड तोड़ना पड़ता है या फिर हम ये कहें कि इनके बीच में एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है जिससे ये एक दूसरे में रूम टेम्परेचर पर इनको इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो पाए तो ये थे कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स के दो जो टाइप है इंपॉर्टेंट टाइप है वो है ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इनकी बात हम लोग डिटेल में अगले वीडियोस में करेंगे और कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स को हम लोग दो और टाइप्स में भी डिवाइड करते हैं एनान्सियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स एनांसियोमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं मिरर इमेज विचार स्टीरियो स्टीरियो आइसोमर विच आर मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर आर नोन एज एनस्यूमर इसी तरह से डायस्टीरियोमर वो ऐसे स्टीरियो आइसोमर होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते तो आज के वीडियो में हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसके दोनों टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया है अगले वीडियोज में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझेंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच इसके साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के आप स्टीरियो केमिस्ट्री के बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं वंस अगेन थैंक यू थैंक यू वेरी मच